महेंद्र सिंह धोनी के बिना सीएसके का कोई वजूद नहीं। सीएसके के फ्रेंचाइजी के पूर्व मालिक ने किया है बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके स्पोर्ट एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल का एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल 2021 का खिताब जितवाया है। धोनी ने चौथी बार यह खिताब सीएसके के नाम किया है, इसलिए धोनी को वह वाही हर जगह मिल रही है। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग के पूर्व मालिक एन श्रीनिवासन ने कहा है की महेंद्र सिंह धोनी के बिना सीएसके की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सीएसके के पूर्व मालिक एन श्रीनिवासन ने आईपीएल ट्रॉफी के साथ भगवान वेंकटाचलपति के मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के बिना सीएसके नहीं और सीएसके का वजूद भी नहीं है। धोनी सीएसके तमिलनाडु का अहम अंग है। धोनी के बिना सीएसके नहीं और सीएसके के बिना धोनी नहीं है। श्रीनिवासन कंपनी इंडिया सीमेंट के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक भी रहे हैं, वह बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों, आपको ख्याल रहे की सीएसके का स्वामित्व 2014 तक इंडिया सीमेंट के पास था। इसके बाद वह चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट के लिमिटेड स्थानांतरित कर दिया गया था। गौरतलब है कि आईपीएल खिताब जीतने के बाद घटनाएं लगाई जा रही हैं कि महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेंगे या फिर 2022 में फिर से एक बार चेन्नई की कप्तानी करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीएसके मैनेजमेंट ने यह साफ कर दिया है कि आईपीएल 2022 का पहला रिटर्न कार्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि महेंद्र सिंह धोनी के अगले सीजन में सीएसके के साथ ही खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग के ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि सीएसके का रिटर्न कार्ड सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी पर ही लगाया जाएगा और महेंद्र सिंह धोनी को सबसे पहले सीएसके के लिए रिटेन किया जाएगा। बाकी जितने भी रिटेन कार्ड मिलते हैं उनको अलग अलग खिलाड़ियों पर यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की अपडेट में इतना ही। क्या आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को अभी आईपीएल खेलना चाहिए या फिर आईपीएल से संन्यास लेना चाहिए? आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा क्रिकेट जगत की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।